हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रियलमी सी टू के टच सेक्शन के बारे में। तो ये हमारा यहाँ पे डिस्प्ले कनेक्टर है और इसमें ये छह सप्लाइयाँ दी हुई हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें छह सप्लाइयाँ दी हुई हैं। तो आपको इनको सबसे पहले मल्टीमीटर को बजर रेंज पर रखकर इनकी सप्लाई पर रीडिंग लेना है, और आपको कुछ सप्लाई शॉर्ट आए तो उसका सोल्यूशन कर सकते हैं। और ये हमारी जो सप्लाई हैं वो कहाँ किस तरह से जा रही हैं वो आपको चेक कराता हूँ। तो ये जो सप्लाई हमारी यहाँ पे आई है, ये हमारा दोनों हमारे सीपीयू के अंदर है, ये वाली डाटा और क्लॉक की, और ये इंट की लाइन भी सप्लाई हमारे सीपीयू के अंदर है, और ये हमारी रीसेट लाइन की जो सप्लाई है वो भी इसके अंदर है। तो देख सकते हैं ये हमारी जो सप्लाई है इस तरह से आ रही हैं, और इनकी ये लाइन में रजिस्टर है इस वाली लाइन में, तो ये रजिस्टर को आपको चेक करना है यहाँ पे। और ये जो सप्लाई यहाँ से एक हमारी जो वोल्टेज का जो सप्लाई होती है वो यहाँ पे भी आया हुआ है। तो ये दो वोल्टेज की सप्लाई है दोस्तों, देख सकते हैं ये दोनों। ये हमारा 1.8 वोल्टेज होता है, तो ये हमारा वोल्टेज की लाइन में यहाँ पे कैपेसिटर है इसमें एक। तो इस लाइन को हम दिखाता हूँ कहाँ पर जा रही है दोनों, ये जो हमारे वोल्टेज की लाइन है, तो ये हमारा पावर आई सी से आ रहा है। तो इसको भी आपको चेक कर लेना है कि हमारा वोल्टेज बन रहा है नहीं बन रहा। वोल्टेज नहीं बनेगा तो आपका टच तब भी नहीं चलेगा दोस्तों। थैंक यू। तो ये हमारा रियलमी सी टू का टच प्रॉब्लम का सलूशन था।